दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे कई बार कमेंट आ चुका है कि आप कुछ ऐसे डोंगल के बारे में बताइए जिसमें कि सैमसंग का मोबाइल डायरेक्ट अनलॉक हो सके। दोस्तों आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं मेरे हाथ में है EFT डोंगल। इस डोंगल की खूबी यह है कि जो मोबाइल Z3 Xbox में जो है ADB इनेबल करके कॉम्बिनेशन फाइल से फ्लैश करके उसका FRP रीसेट किया जाता है, उस मोबाइल को आप जो है डायरेक्टली जो है इस डोंगल के माध्यम से अनलॉक कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इस डोंगल का सेटअप कर सकते हैं, किस तरह से आप इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं या किसी अदर डोंगल का UMD डोंगल या मेडिकल बॉक्स या MRT डोंगल का सेटअप आप डाउनलोड कर सकते हैं या कोई अदर फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह से आप उस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैं आपको बताता हूँ हर वीडियो में कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आप वीडियो के नीचे में आएंगे आपको लिखा हुआ होगा यहाँ पे शो मोर, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है और जैसे आप इस वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली जो है आप वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। और मैंने वहाँ पे हिंदी में भी लिख करके रखा था कि भाई किस तरह से आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे आप रियल में आप देख लें, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वेबसाइट ओपन हो चुका है और यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर पेज के नाम से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर पेज पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे आप इस सॉफ्टवेयर पेज पर क्लिक करते हैं उसके बाद एक दूसरी जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपके सामने में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको केवल ओनली सॉफ्टवेयर ही मिलेगा, ठीक है। सेटअप फाइल मिलेगा आपको यहाँ पर UMT डोंगल का, EFT डोंगल का, MRT डोंगल का, मेडिकल बॉक्स का, ठीक है। इन चारों का आपको सेटअप फाइल यहाँ पे जो जब भी नया कोई अपडेट आएगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी जो FRP रीसेट फाइल होगी जिस वीडियो में भी लिंक दिया हुआ होगा, ठीक है, उस वीडियो में अगर वेबसाइट का लिंक दिया हुआ तो वेबसाइट पे क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे जो है आप सैमसंग का FRP रीसेट फाइल 2018 वाला यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए जो भी जरूरत का चीज़ है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पे मैंने जो है जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखी है। जैसे कि मान के चलिए अगर आपको यहाँ पे EFT डोंगल सेटअप डाउनलोड करना है, EFT डोंगल पे आपने क्लिक कर दिया डायरेक्टली आपके सामने दूसरा एक लिंक आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चाहे आप यहाँ पे मेगा लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर गूगल ड्राइव पे आप क्लिक करेंगे डायरेक्टली जो आपको डाउनलोड आसानी से मिल जाएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं गूगल ड्राइव पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ सेटअप दिखा रहा है और जैसे ही सेटअप पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेटअप जो है आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाते हैं डबल क्लिक करके। आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इन सबको क्लोज करते हैं वापस हम, उसके बाद आपको एक बात और बताते हैं कि मान के चलिए आप मेरे YouTube चैनल पर आए हैं और आपको अगर कुछ और वीडियो देखना है, लगभग 200 से ऊपर वीडियो है हमारे चैनल पर, तो आप यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके हमारी सभी वीडियो को यहाँ पर जो है देख सकते हैं। तो जो भी वीडियो आपको चाहिए यहाँ पे लगभग सभी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, लगभग 200 से ऊपर वीडियो है। जिस तरह से आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे उस तरह से आपको वीडियो यहाँ पे मिलता चला जाएगा, आप यहाँ पे अपनी पसंद की वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे इन सबको बैक करके, उसके बाद आपको बताएंगे किस तरह से आप EFT डोंगल को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह से आप EFT डोंगल का सेटअप कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि EFT डोंगल का सेटअप यहाँ पे है मेरे पास, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आप डाउनलोड करेंगे इस तरह से आपको सेटअप का आइकन दिखाई देगा और सेटअप पर राइट क्लिक करके आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये सेटअप ओपन होगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करते चले जाना है और ये सेटअप ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपके डेस्कटॉप पर ये आइकन आकर के जो है आपको दिखाई देगा, इस तरह का आइकन आपके डेस्कटॉप पे शो करेगा। तो इस आइकन पे डबल क्लिक करेंगे आप तो ये सेटअप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पहले से जो है इसे एक्टिवेट कर चुका हूँ, रजिस्टर कर चुका हूँ। अगर आपको रजिस्टर करना है, अगर आप नए हैं तो आप यहाँ पे नीचे में आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लिक टू रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर कैसे करना है आपको, जैसे कि मान के चलिए आपको अपना ईमेल डालना है, पर्सनल ईमेल आईडी, उसके बाद आपको एक यूजर नेम और एक पासवर्ड आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा और वो यूजर नेम और पासवर्ड आपको अपने डायरी में लिख लेना है, ठीक है। क्योंकि बाद में अगर आप भूल जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको जो भी यूजर नेम और जो भी आप पासवर्ड यहाँ पे बनाएंगे उसे आपको अपने डायरी में लिख लेना है और उसी यूजर नेम पासवर्ड से आपको हमेशा जो है इसे लॉगिन करना है, ठीक है। तो मैं पहले से रजिस्टर कर चुका हूँ तो मुझे इसे ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे जो है लेफ्ट साइड पे क्लिक करना है एक बार। अब जब ये ऑनलाइन हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं ये ऑनलाइन हो चुका है, उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। और जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेटअप जो है कुछ ही देर में हमारे डेस्कटॉप पे दिखाई देगा। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा आपको EFT डोंगल का। और इसमें आप यहां पर देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है और इसमें आपको सैमसंग मोबाइल को अगर मान के चलिए डायरेक्ट अनलॉक करना है तो उसके लिए आपको यहां पर एंड्रॉइड मॉडल पे आपको क्लिक करना होगा।
एंड्रॉइड मॉडल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारा ऑप्शन है, कुछ रूट का ऑप्शन है, एडीबी मोड का ऑप्शन है, कुछ अदर मॉडल का ऑप्शन है, अदर कंपनी का ब्रांड है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको जैसे मान के चलिए यहाँ पे आप ईएफटी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी ईएफटी मेथड में आपको बहुत सारा सैमसंग का मॉडल जो यहाँ पे मिल जाएगा। ये जितने भी मॉडल आप देख रहे हैं ये सारी सारी मोबाइल जो है आपका डायरेक्ट अनलॉक होगा, और ये सारी जो अनलॉक होगा ये आपका जो डाउनलोडिंग मोड के जरिए से अनलॉक होगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इसके अलावा भी जो यहाँ पे जो एफआरपी का ऑप्शन है यहाँ पे बगल में, ईएफटी के बगल में जो एफआरपी का ऑप्शन है, तो एफआरपी ऑप्शन में भी आपको कुछ मॉडल मिल जाएगा बहुत सारा, ठीक है। और इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके पास सैमसंग का कोई भी मॉडल है उसमें अगर 6.0 है वर्जन, या 7.0 है, या 7.1 है, या 6.0.1 है, जो भी वर्जन है, ठीक है, उसका उसके लिए टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। और जितनी भी मॉडल यहाँ पर शो कर रहा है डाउनलोडिंग मेथड से, ठीक है, वो सारे के सारे मॉडल जो है आपका डायरेक्ट अनलॉक हो जाएगा ईएफटी डोंगल में। तो डाउनलोडिंग मोड में ही ये सारा सारा मोबाइल जो है वर्क करेगा। डायरेक्ट आपको मोबाइल को डाउनलोडिंग मोड में लगाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है पोर्ट स्कैन करना है। पोर्ट स्कैन करने के बाद आप यहाँ पे एफआरपी रीसेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ और मॉडल मिलेगा। जो मॉडल आपको ईएफटी मेथड में नहीं मिल रहा है वो आपको यहाँ पे एफआरपी मेथड में मिल जाएगा। उसके बाद पोर्ट स्कैन करने के बाद आप डायरेक्टली जो है एफआरपी रीसेट बटन पे क्लिक करके डायरेक्ट अनलॉक कर सकते हैं मोबाइल को। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।